लास्ट लेक्चर में जो है हमने अपनी फिज़िकल केमिस्ट्री फिनिश कर ली थी। आज हमें स्टार्ट करनी है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक में भी हमारा सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो मैंने आपको जब UV स्पेक्ट्रोस्कोपी बताई थी तो मैंने आपको सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी ना। क्या कहा था हमने कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उनको हमने उसके अंदर क्या है बहुत सारी रेडिएशंस आ जाती हैं, और हमने क्या किया हुआ है उन रेडिएशन को उनकी वेवलेंथ के बेसिस पर या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हमने उनको अलग अलग रीजन में क्या किया हुआ है डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जिसमें हमारा सबसे ऊपर था गामा रेज, उसके बाद आता है एक्स रेज, उसके बाद आता है यूवी विजिबल का रीज़न जो हमने लास्ट जो है सेमेस्टर में पढ़ा था। ठीक है, यूवी विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड रीज़न। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा मैटर का मतलब ये कोई भी हमारा मैटर है और यहाँ इसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम मैटर के ऊपर लाइट डालेंगे तो लाइट का अगर इंफ्रारेड वाला पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हो आप, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर इंफ्रारेड वाली जो वेवलेंथ का पोर्शन है वो अगर मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो जैसे ही मॉलिक्यूल क्या है एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में क्या आ जाएगा चेंज आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक और नाम क्या होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसको बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मॉलिक्यूल हमारा IR इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूल क्या करना स्टार्ट कर देता है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन की वजह से क्या है उसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में क्या आ जाता है चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, तो देखो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के बारे में स्टडी करती है, किस रेंज में इंफ्रारेड रेंज में। ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं जो है इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं, ये मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा, अब IR की ये जो रीज़न है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इसकी रेंज है अगर हम वेवलेंथ में बात करें तो 0.8 से, ये 0.8 है से कहाँ तक है 200 माइक्रोमीटर में है। तो अगर वेव लेंथ की टर्म में बात करें तो हम माइक्रोमीटर में बात करते हैं, वेव नंबर की टर्म में बात करते हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स में। लेफ्ट से राइट जाते हैं वेव लेंथ इंक्रीज होती है, इसलिए रीजन कहाँ से कहाँ तक है 0.8 से 200 माइक्रोमीटर तक। लेकिन अगर हम इसको वेव नंबर में बात करें तो लेफ्ट से राइट जाते हुए वेव नंबर डिक्रीज होता है, तो वेव नंबर की टर्म में क्या हो जाएगा जैसे यहाँ देखो। तो अच्छा, इसका ये जो रीज़न है ना इससे पहले ये 0.8 से 200 माइक्रोन वाला, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है 0.8 से कहाँ तक का है हमारा, एक है 0.8 से 2.5 माइक्रोन, और एक है हमारा 2.5 माइक्रोन से कहाँ तक 200 माइक्रोन। इस वाले रीज़न को हम बोलते हैं नियर IR रीज़न, और इस वाले को बोलते हैं फार IR रीज़न। ठीक है भाई, हो जाएगा। हाँ जी, तो देखो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो रीज़न ये है हमारा। ठीक है, तो रेंज जो है हमारी 0.8 से 2.5 है उसको हम बोलते हैं नियर इंफ्रारेड रीज़न, और 15 से 200 वाली जो बच जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं फार इंफ्रारेड रीज़न बोल देते हैं। ठीक है, हो जाएगा। जनरली हम वेवलेंथ और वेव नंबर दोनों की टर्म में डिस्क्राइब करते हैं, वेव नंबर को हम सेंटीमीटर इनवर्स में डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम किसका यूज़ करते हैं वेव नंबर का ही क्या करते हैं यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए रेडिएशन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम इसको माइक्रोमीटर को वेव नंबर में डिफाइन करें तो देखो 0.8 क्या बन गया 12,500, और 200 क्या बन गया 5 सेंटीमीटर। तो हम ये भी बोल सकते हैं ये वाला जो रीज़न है 12,500 से 5 सेंटीमीटर इनवर्स वाला, ये वाला रीज़न हमारा कैसा रीज़न है IR का रीज़न है। ठीक है, हो जाएगा। और ये जो 2.5 माइक्रोन की जो वैल्यू ले रहे हैं लगभग कितनी है भाई हमारी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक की क्या है वैल्यू है। इसका मतलब जो हमारा 12,500 से 4000 वाला जो ये रीज़न है इसको हम क्या बोलते हैं नियर IR रीज़न क्या है हम बोल देते हैं। तो चलो देखो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होती है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है। तो मैंने आपको बोला था हमें पता है कि जो एटम है वो किसके बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एटम क्या होते हैं बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड जो होता है ना ये फिक्स नहीं होता, ये क्या होता है
क्या होता है, रिजिड नहीं होता। रिजिड ना होने की वजह से किसकी तरह काम करता है ये बोन्ड, जो स्प्रिंग होता है ना हमारा, उसकी तरह काम करता है। और जो स्प्रिंग है वो क्या कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना है तो हमें एक मॉलिक्यूल को किससे कंसीडर करना पड़ेगा, कि हमने एक स्प्रिंग ले रखा है और स्प्रिंग से हमने क्या कर रखे हैं, दो वेट अटैच कर रखे हैं ए और बी। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो हमें क्या है, उस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन को भी हमें क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो मेनली दो तरह की वाइब्रेशन होती है, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एक बेंडिंग वाइब्रेशन। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेचिंग आप कैसे करवा सकते हो, स्ट्रेचिंग आप मॉलिक्यूल के अंदर दो तरह से करवा सकते हो, पहली सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और दूसरी करवा सकते हो आप कौन सी, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस हो जाएगा, अच्छा एक तो सच्ची बात, पहले स्ट्रेचिंग क्या होती है, स्ट्रेचिंग क्या होती है भाई, मान लीजिए कोई बॉन्ड है, कि कोई मॉलिक्यूल है ए और बी, ठीक है, आप इसको बाहर की तरफ खींच रहे हो दोनों एटम को उठा के, और एक आप अंदर की तरफ कर रहे हो, तो दैट इज़ नोन एज स्ट्रेचिंग। तो देखो ये एवरेज मॉलिक्यूल था, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, आपने इसको कंप्रेस कर दिया, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं अभी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमारे पास, एक तो सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या कर रहे हैं, मान लो कोई बॉन्ड है ये वाला, आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, इस बॉन्ड को भी इधर लेके जा रहे हो, इस बॉन्ड को भी इधर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। लेकिन एसिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, आप इस बॉन्ड को तो बाहर लेके जा रहे हो, इस बॉन्ड को अंदर लेकर जा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। जैसे ये पेन है मान लीजिए, मैं इधर से इसको खींच रही हूँ, इधर से भी सेम डायरेक्शन में बाहर की तरफ खींच रही हूँ, ठीक है, तो दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। लेकिन एसिमेट्रिक में क्या होगा, इधर से तो मैं प्रेस कर रही हूँ और इधर से मैं खींच रही हूँ, दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो दो तरह की हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है भाई ये स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट बात करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन की, ठीक है। दो तरह की वाइब्रेशन होती है, हमने कहा था मॉलिक्यूल्स के अंदर, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन किनके अंदर देखने को मिलती है, ट्राइएटोमिक या फिर हायर मॉलिक्यूल्स में क्या है, देखने को मिलती है। तो बेंडिंग वाइब्रेशन में जनरली क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में जनरली क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है। किसकी वजह से, जब हम जो क्या करवाते हैं, तो एटम के बीच के बॉन्ड की क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। अब बेंडिंग वाइब्रेशन चार तरह की होती है, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। ये सीजरिंग और रॉकिंग तो इन प्लेन वाइब्रेशन है, और ये वैगिंग और ट्विस्टिंग क्या है, आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन है, ठीक है। सीजरिंग में क्या होता है, ये इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, दो एटम को एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो। देखो ये सीजर की तरह किस तरह की होती है, ऐसे ही होती है ना हमारी, सीजर का ऊपर वाला पोर्शन। तो आप क्या कर रहे हो, दोनों एटम को आप सीजर कैसे, जब ओपन होती है आप क्लोज करते हो, क्या करते हैं, दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। जब दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है, पहले यहाँ थे एटम, अब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, आप बेंड कर रहे हो अंदर की तरफ, तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्लस ये एक ही प्लेन में है ना, दोनों ऐसे तो नहीं है, ये ऐसे आउट ऑफ प्लेन चला गया। तो इस टाइप की वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सीजरिंग जो है बेंडिंग वाइब्रेशन बोलते हैं। रॉकिंग भी क्या है, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है, लेकिन इसमें क्या है, दो एटम क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मान लीजिए ये दो एटम है, ये एक एटम है, यहाँ एक एटम है, कि हाँ ये एटम भी इधर जा रहा है, ये एटम भी इधर जा रहा है। तब देखो ये क्या है, पहले तो एक प्लेन में है, ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं गए, एक प्लेन में होने के बाद ये क्या है, सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। तो इस टाइप की वाइब्रेशन क्या है, हमारी रॉकिंग वाइब्रेशन है, ठीक है। तो देखो ये सीजरिंग में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, रॉकिंग में सेम डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं। वैगिंग क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन मतलब अब ये क्या है, प्लेन से बाहर जाके क्या है, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, दो एटम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, इधर अबव और बिलो द प्लेन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये दो एटम हैं अगर हमारे पास, ये या तो अबव द प्लेन जाएंगे, मतलब मान लीजिए ये तीन एटम हैं हमारे, ये एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये एटम क्या है, या तो दोनों साथ साथ ऐसे अबव द प्लेन जाएंगे, या फिर दोनों साथ साथ कहाँ जाएंगे, बिलो द प्लेन जाएंगे। तो इस टाइप की वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, वैगिंग, और ये आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन है। ट्विस्टिंग मतलब आपने ट्विस्ट कर दिया, कैसे ट्विस्ट करोगे भाई, मान लीजिए तीन एटम हैं हमारे, ठीक है, ट्विस्ट करने का मतलब क्या हो गया, ये वाले एटम को तो आप ऐसे ले जाइए ऊपर, मड़ोड़ना है, ठीक है, और ये वाला एटम कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ट्विस्टिंग के अंदर एक एटम तो जाता है अबव द प्लेन, और एक एटम जाएगा आपका बिलो द प्लेन। तो इस वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन बोल देते हैं, ठीक है।
हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो मैंने आपको बताया ही हुआ है सारा का सारा, ठीक है। हमें पता है कि जो एटम है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स के अंदर वो क्या है, कोई भी रिजिड पोजीशन के द्वारा फिक्स नहीं होते हैं। मतलब उनके बीच का ये जो बॉन्ड होता है ना, हम ये नहीं कह सकते ये बॉन्ड क्या है, रिजिड है, फिक्स है। ये बॉन्ड क्या होता है, जो है वाइब्रेशन कर रहा होता है। मतलब ये बॉन्ड क्या है, फिक्स नहीं होता, इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे इस मॉलिक्यूल के ऊपर हम आईआर रेडिएशन फॉल करती है तो ये क्या करते हैं, उस आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में क्या ले आते हैं, चेंज ले आते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही हमारा मॉलिक्यूल क्या है, आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, तो उसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आईआर रेडिएशन हमारा मॉलिक्यूल ने अब्जॉर्ब की तो क्या हो गया, एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा। देखो जैसे ही हमारा मॉलिक्यूल है, मान लीजिए मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल के ऊपर आपने आईआर रेडिएशन डाली, आईआर रेडिएशन क्या करवाएगी, मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन करवाएगी, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आएगा। तो जैसे ही मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आएगा, मॉलिक्यूल अपने लोअर वाइब्रेशनल लेवल से कहाँ चला जाएगा, हायर वाइब्रेशनल लेवल में चला जाएगा। तो मॉलिक्यूल ने लाइट एब्जॉर्ब की और कहाँ चला गया, हायर जो है लेवल में चला गया। तो जैसे ही मॉलिक्यूल लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर में जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या दे देगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या दे देगा, हमें एक सिग्नल दे देगा। क्या दे देगा, सिग्नल। तो जितनी वाइब्रेशन, जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही हमें क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या होते जाएंगे, ऑब्टेन होते जाएंगे, जिससे हम उस मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में क्या जान पाएंगे, इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, ठीक है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल, ठीक है, विथ क्वांटाइजेशन ऑफ देयर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो उनके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी लाइट अमाउंट एब्जॉर्ब की है मॉलिक्यूल ने, किसकी, इंफ्रारेड रेडिएशन की, ठीक है, वो क्या है, हम रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या है, एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोल देंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम क्या है बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल है COH, तो ये COH है, ये वाला बॉन्ड अपनी अलग वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला बॉन्ड अपनी अलग वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें अलग सिग्नल मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, एक अलग सिग्नल मिलेगा, जिससे हम इस मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या है, डिटरमाइन कर सकते हैं। यूनिट तो मैंने आपको बता ही दिया था कौन सी हो सकती है, सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकती है और माइक्रोमीटर, लेकिन जनरली हम क्या यूज़ करके चलते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स यूज़ करके चलते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है भाई कैलकुलेशन की, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी का हम यूज़ करते हैं हुक्स लॉ का। और हुक्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होती है, 1/2π√kकी क्या होती है, इक्वल होती है। k क्या होता है, कि होता है फोर्स कांस्टेंट, और म्यू को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास। और रिड्यूस मास किसके इक्वल होता है, मान लीजिए दो एटम है, एक एटम है M1 एक एटम है M2, तो रिड्यूस मास होता है M1 × M2 के प्रोडक्ट डिवाइड बाय में M1 + M2 का क्या हो जाता है, सम हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास। तो देखो फॉर्मूला आया, अगर इसी को मैं वेव नंबर की टर्म में लिखूं तो वेव नंबर की टर्म में ये हो जाता है 1/2πc√kµ। कि क्या है, फोर्स कांस्टेंट है और म्यू क्या है, हमारे पास रिड्यूस मास है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, कि ये जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, मतलब वाइब्रेशनल जो वेव नंबर है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, वो आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स कांस्टेंट के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है मास के। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट क्या बताता है हमें, कि जो फोर्स कांस्टेंट है वो बताता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब अगर दो एटम हैं हमारे, और अगर उन दो एटम के बीच का जो फोर्स कांस्टेंट है, मतलब ज़्यादा है, अगर मतलब उनकी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, आप उस बॉन्ड को आसानी से तोड़ नहीं पा रहे हो, तो उस केस में आपको क्या है, उसके केस में क्या है, वो क्या है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या है, वो हायर वेव नंबर पर क्या होगा, क्या है, आपको अपीयर होगा। इसका मतलब जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा, जितना ज़्यादा दो एटम के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वही वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके,
रिड्यूस मास के, इसका मतलब जितना ज़्यादा एटम हमारा हैवी होता जाएगा, जितना ज़्यादा एटम हमारा हैवी होता जाएगा उतने ही उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। जितना ज़्यादा एटम्स बड़े होते जाएंगे, हैवी होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा उनका वाइब्रेशनल मोमेंट डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आ गई कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स कॉन्स्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस मास, ठीक है। और यही दो कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़्यादा हम क्या करेंगे इस IR में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखो ये वेव नंबर की टर्म में था 1/2 πc अंडर रूट के बाय में म्यू, ठीक है। ये ड्राइव किया हुआ है हुक्स लॉ जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो भाई, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने क्या कहा, तो यहाँ से हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ गए कि जितना छोटा हमारा, स्मॉलर इज द मास ऑफ बॉन्डेड एटम, स्मॉलर इज द रिड्यूस मास, देयरफॉर हायर विल बी द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब हमने क्या कहा, जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, रिड्यूस मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना छोटा एटम होगा उसका रिड्यूस मास उतना ही कम होगा, और जितना कम रिड्यूस मास होगा उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगा पहला पॉइंट। सेकंड में देखो फोर्स कॉन्स्टेंट, फोर्स कॉन्स्टेंट क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है बॉन्ड की। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी किसी भी बॉन्ड की उतने ही ज़्यादा हमारी क्या हो जाएगी, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या है हमारी हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगा। इसका मतलब वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। हाउएवर जो इंटेंसिटी है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एब्जॉर्प्शन। अब देखो हमने कहा था ना यहाँ पर हमें एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेंगे, ठीक है। अब उस बैंड की इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा जो है क्या हो जाएगी, उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें इंटेंसिटी के क्या मिलेंगे, बैंड मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, तो नंबर ऑफ जो फंडामेंटल वाइब्रेशन हमें मिलती हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। देखो हमें क्या मिल रहा है, देखो मैंने कहा ना कि जनरली जब भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल तो हमें क्या मिलेंगे, बैंड मिलेंगे, ठीक है। अब जो हमें नंबर ऑफ जितने बैंड मिलेंगे वो किसके इक्वल होंगे भाई, कितने फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो रहे हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रही हैं, कितनी बेंडिंग वाइब्रेशन हो रही हैं, और वो वाइब्रेशन किस रीजन में फॉल आउट कर रही हैं। तो उस बेसिस पर हम क्या क्या मिलेंगे, उस बेसिस पर हमें क्या मिलते हैं जो है, फंडामेंटल बैंड मिलते हैं, मतलब हमें स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऑब्टेन होता है। तो इसका मतलब कितने हमें एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेंगे, ठीक है, किसके अंदर, IR के अंदर, वो किसके इक्वल होगा कि कितनी वाइब्रेशनल मोड है हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, कितनी वाइब्रेशन हमारे मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ओनली वन ही फंडामेंटल वाइब्रेशन होती है, जिसे एग्जांपल दे रखा है ओनली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है, किसके अंदर, किसके अंदर भाई, अगर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ पर आपको एक ही एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो वहाँ आप ओनली स्ट्रेचिंग करवा सकते हो, ठीक है। ओनली कैसी स्ट्रेचिंग करवाओगे, तो स्ट्रेचिंग के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ही वाइब्रेशन हुई है तो उस एक वाइब्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, एक ही बैंड क्या होगा, अपीयर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम आ जाते हैं तो उसके बेसिस पर हमें निकालनी पड़ती हैं कि कितनी नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन बनती हैं। तब मॉलिक्यूल, जब हम दो से ज़्यादा एटम की बात करते हैं, मॉलिक्यूल हमारा लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो जब हम लीनियर के केस में बात करते हैं तो लीनियर एटम्स के केस में क्या निकालने का, नंबर ऑफ जो है बैंड वाइब्रेशन निकालने का, वाइब्रेशनल बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला होता है 3n-5। और अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आ जाता है दैट फार्मूला विल बी 3n-6। आपको बस ये दो फार्मूले याद करने हैं, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, हमारे जो है क्या आ जाएंगे, आपके पास वाइब्रेशंस आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, आप स्ट्रेचिंग और बेंडिंग भी निकाल सकते हैं, एक फार्मूला होता है 2n-4, 2n-5, जिससे आप नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन भी क्या है निकाल सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन भी दो तरह की थी ना, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, ठीक है। लेकिन आपको मेन जो याद रखना है, ये याद रखना है कि अगर लीनियर एटम है हमारे पास, ठीक है, पॉली एटॉमिक एटम है, तो कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल मोड होंगे वो किस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करेगा, 3n-5 से निकाल सकते हैं आप। और अगर आपके पास कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो आप किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 3n-6 फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं दे दूँ वाटर, मैं कहूँ इस वाटर में फाइंड आउट कीजिए नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन कितने होंगे, आप देखोगे वाटर इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला इज 3n-6, ठीक है। 3n-6 हो गया तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ कितने आइटम है, 3, तो ये हो गया 9,
क्या आ गई वैल्यू, 3 आ गई। इसका मतलब इसके अंदर कितनी वाइब्रेशन है, 3 वाइब्रेशन है। अब इस 3 वाइब्रेशन में बेंडिंग भी होंगी भाई, स्ट्रेचिंग भी होंगी। तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग निकालने का फॉर्मूला होता है 2n-4 एंड 2n-5, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सी स्ट्रेचिंग है और कौन सी बेंडिंग वाइब्रेशन हो जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे, आपके पास स्ट्रेचिंग और बेंडिंग भी आ जाती है। लेकिन ये हमारे अभी काम का नहीं है, हमें बस क्या करना है, लीनियर नॉट ओनली। अगर लीनियर आ जाता, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया CO2, 3, 2 से ज़्यादा आइटम है, फॉर्मूला क्या लगेगा, 3n-5। एन की वैल्यू कितनी है भाई, 3, तो वैल्यू क्या आ गई, 4। इसका मतलब इसके अंदर कितनी जो है वाइब्रेशनल मोड होंगे, 4 क्या हो जाएंगे, वाइब्रेशनल मोड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, हो जाएगा। सिलेक्शन रूल की बात करते हैं, अगर हम देखो कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है वो इतनी वीक होती है। अब देखो, हमने कहा टोटल जैसे वाटर के मॉलिक्यूल में 3 फंडामेंटल वाइब्रेशन है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना इन 3 में से कोई एक ही ऐसी हो जो क्या है, हमें वो जो स्ट्रॉन्ग हो, बाकी 2 वीक हो, तो उस केस में हमें एक ही बैंड मिल जाता है। तो डिपेंड करता है ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कि कुछ मॉलिक्यूल के अंदर तो वाइब्रेशन है वो इतनी वीक होती हैं कि हमें क्या है उनके कॉरस्पॉन्डिंग बैंड ही नहीं मिलता। ठीक है, और कुछ जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है, मान लो 2 वाइब्रेशन मिल रही है, लेकिन 2 वाइब्रेशनल की एनर्जी इतनी पास है कि हमें उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एक ही बैंड मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी पास है कि वो क्या कर जाती हैं, ओवरलैप करके हमें एक ही वाइब्रेशन की तरह दिखती हैं। ठीक है, और कई बार क्या है, हमें मेन वाइब्रेशन के साथ आपको कुछ एडिशनल जो है बैंड भी देखने को मिलते हैं लोअर इंटेंसिटी के, जिनको हम कॉम्बिनेशनल बैंड्स या फिर ओवरटोन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, सिलेक्शन रूल की अगर हम बात करते हैं IR के अंदर, तो सिलेक्शन रूल की जब हम बात करते हैं तो सिलेक्शन रूल 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्रोस सिलेक्शन रूल और एक होता है हमारे पास क्वांटम सिलेक्शन रूल। ठीक है, जब हम क्वांटम सिलेक्शन रूल की बात करते हैं तो क्वांटम सिलेक्शन रूल होता है दैट इज डेल म्यू इज इक्वल टू में ±1। म्यू है यहाँ पर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जो क्या है ±1 के क्या है इक्वल होता है। इसका मतलब अगर वाइब्रेशनल जो है एनर्जी लेवल के अंदर ±1 या -1 का चेंज आता है तो वही ट्रांजिशन हमारी क्या होती हैं, अलाउड होती हैं। ग्रोस सिलेक्शन रूल क्या कहता है, ग्रोस सिलेक्शन रूल कहता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल के साथ लाइट इंट्रैक्ट करती है तो लाइट के इंट्रैक्शन के बाद मॉलिक्यूल अगर अपना डाइपोल मूवमेंट चेंज कर देता है, क्या कर देता है, देयर इज ए चेंज इन डाइपोल मूवमेंट आ जाता है मॉलिक्यूल के अंदर, तो ऐसी वाइब्रेशन जो होंगी, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी ट्रांजिशन होगी वो ट्रांजिशन क्या होगी, हमारी अलाउड होगी। अलाउड का मतलब क्या हो गया, वो ट्रांजिशन हमें कोई ना कोई क्या दे देगी, बैंड दे देगी। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन क्या है इसकी कि जब मॉलिक्यूल वाइब्रेशन जब हो रही है, वाइब्रेशन कैन लीड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ओनली इफ इट इज अकम्पेन्ड बाय देयर इज चेंज इन डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब जब मॉलिक्यूल हमारा IR रेडिएशन के साथ इंट्रैक्ट करेगा तो मॉलिक्यूल के अंदर अगर चेंज आ जाता है डाइपोल मोमेंट में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें बैंड मिलता है चेंज आने के बाद, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें बैंड मिलेगा वो क्या होगा, हाई इंटेंसिटी का होगा। तो ऐसी ट्रांजिशन हमारी क्या होती हैं, अलाउड ट्रांजिशन होती हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में क्या है, हमारी जो ट्रांजिशन है, मतलब उन ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें बैंड मिलता है वो इतना वीक मिलता है कि हम उसकी इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है ओनली दोज वाइब्रेशन आर इफेक्टिव जो क्या करवा रही हैं, एब्जॉर्प्शन करवा रही हैं। अच्छा, इसके लिए अगर आपको क्या करवाना है, यहाँ पर चेंज इन डाइपोल मूवमेंट करवाना है, तो इसकी एक कंडीशन है कि हमारा मॉलिक्यूल क्या है, सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अगर वो सेंट्रोसिमेट्रिक होगा तो वो क्या करवा देगा, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी, जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अगर वो CO2 क्या है, हमारी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग करवाएगा, तो इसके केस में क्या है, हमें क्या है, CO2 के केस में सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की वजह से कोई भी वाइब्रेशन हमें नहीं मिलेगी। तो क्या है, हमारा मॉलिक्यूल क्या है, सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होना चाहिए अगर हमें क्या करवानी है, भाई वाइब्रेशन करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में हम कल के लेक्चर में क्या करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।